राजघाट थाने की पुलिस ने बैंक के एटीएम में फ्रॉड करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गोरक्षनाथ घाट पर से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान विजय यादव पुत्र अमत लाल निवासी सरसी देवशर जनपद कानपुर, दूसरा फैज खान पुत्र अयूब खान निवासी जंक्शन इनक्लेव कॉलोनी नियर गुलेरिया थाना पिपराई जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 71,000 नगद चोरी के व धोखाधड़ी के रुपए, 10 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 1 चार पहिया वाहन, 1 दो पहिया वाहन को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 12 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा महवा चुंगी के शाखा प्रबंधक द्वारा विभिन्न एटीएम कार्ड के माध्यम से धोखाधड़ी कर गलत ढंग से पैसा निकालने वाले अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त के संबंध में थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर व थाना कैंट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष सिंह, टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल पवन यादव, अशोक यादव, दीपक कुशवाहा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ले जाइए 10 एटीएम है ना। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक एटीएम फ्रॉड करने वाली एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो कि एसबीआई बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। इसमें फैज नाम का एक व्यक्ति और एक विजय यादव नाम के दो लोग हैं जो कि इंजीनियर हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक कंप्यूटर साइंस से पढ़ा लिखा है। ये दोनों लोग एटीएम एक्सिस बैंक का एटीएम यूज़ करते थे और एसबीआई बैंक की वो टेलर मशीन जिसके अंदर पैसा डिपॉजिट भी कराया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है, उसमें से पहले अपने दोस्तों के माध्यम से उनका अकाउंट खुलवाते थे, उनको 2,500 रुपये देते थे और उसके बाद में उसी एटीएम को यूज़ करके उसके खाते में पैसे डलवा के
क्रेडिट करते थे और उसको फिर डेबिट करने के लिए इस तरह की मशीन पे जाते थे और 10,000 रुपये का पर ट्रांसेक्शन करते थे और उसके बाद में वो पैसा निकाल जब ट्रांसेक्शन हो जाता था तब उसको पैसे को ले लेते थे और धीरे से जो स्लाइडिंग डोर है उसको धीरे से बंद करते थे उसी स्कीम के तहत, जिससे कि मशीन में ये ट्रांसेक्शन में ये नहीं हो पाता था कि पैसा डिलीवर हुआ है, बैंक को ये मैसेज चला जाता था कि पैसा नहीं डिलीवर हुआ है। उसके बेसिस पे बाद में कस्टमर केयर से वही अमाउंट जो निकाला गया है उसको वो रिक्लेम करते थे। इस तरीके से उन्होंने टोटल 599,000 रुपये का फ्रॉड SBI बैंक के साथ अभी तक किया है। इसमें उन्होंने बेतिया हाता से 1,69,000, राजेंद्र नगर से 1,80,000, हरबट बंदा से 1,80,000, जीरो पॉइंट कालेसर से 20,000 और कानपुर से भी इन्होंने पैसे निकाले हैं। तीसरा व्यक्ति जिसने इनको इस स्कीम की जानकारी दी उदय नाम का, वो अभी भी फरार है, पुलिस उसकी गिरफ्त करेगी और उसके बाद में इन सभी लोगों पर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कर इनकी आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इनके पास से अभी तक एक ब्रेजा गाड़ी, एक HF डिलक्स मोटरसाइकिल, 71,000 रुपये और 10 ATM विभिन्न बैंकों के और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। बैंक को जब बार बार इस तरह के ट्रांसैक्शन होने लगे और तब बैंक ने ATM के माध्यम से पता किया, तब उनको कैमरे के माध्यम से पता चला कि इस तरह का फ्रॉड होता है। उन्होंने चौकी टीपी नगर पे और थाना राजघाट पे सूचना दी। इसी के तहत फिर चौकी प्रभारी एवं थाना राजघाट द्वारा तुरंत इसमें एक्शन में आए और उन्होंने विस्तृत रूप से इसकी जांच की और इतने अच्छे खुलासे के लिए थाना राजघाट की टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है। इसकी भी पूछताछ की जाएगी और इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू।